गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करते मेरे सारे फ्रेंड्स बिल्कुल हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं बाहर बैल्कनी से आज वीडियो शुरू कर रही हूँ। आज थोड़ा लेट वीडियो शुरू कर रही हूँ क्योंकि अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 3 PM यस। और अभी नहा के आई, सोचा पहले वीडियो शुरू कर लेती हूँ, देन भगवान को पूजा देती हूँ। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। आशा करते हो आप लोग को अच्छा। थर्सडे और अभी का जो वेदर है, ओ माय गॉड, कल ही मैंने बोला था बैंगलोर में इतनी गर्मी कभी नहीं हुई है। आज 36 या 37 कुछ ऐसा चल रहा है। इतनी गर्मी, देखिए इंडिया में दूसरी जगह पे गर्मी होती है, कोलकाता में भी बहुत गर्मी होती है, मैं रहती भी थी, बट बैंगलोर में लास्ट फाइव ईयर्स में यहाँ पे रह रही हूँ, इतनी गर्मी कभी नहीं हुई जो इस बार हो रही है। मतलब हालत ख़राब है हम लोगों का। न्यूज़ पे रोज़ आ रहा है बैंगलोर के गर्मी को लेके रोज़ बात हो रही है। तो अभी हितेश बस बेडरूम में सब AC ऑन करके, पर्दे वर्दे सब बंद करके, एकदम अंधेरा करके थोड़ा लेटे। और हाँ, आज हितेश ने थोड़ा लीव लिया है ऑफिस से क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बैक टू बैक रोज़ काम कर रहे थे एंड सुबह 6 से शाम को 6-7-8 बजे तक कर रहे थे। होता है ना यार, काम करते रहते थोड़ा सा आराम का भी, ब्रेक का भी ज़रूरत होता है। तो और कल रात को पता नहीं थोड़ा सा उनको हेडेक हुआ, तो इसलिए सोचा कि चलो आज थोड़ा ब्रेक ले लेते, एक दिन का लीव ले लेते, तो आराम से उठे। तो यही है अभी का अपडेट। और हाँ, कल हम लोग जो प्लांट्स लेके आए थे वो मेरा एक्चुअली शो करना नहीं हुआ था, मैं भूल गई थी। आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन से प्लांट हम लोगों ने कल लिया था। ये वाला देखिए, एक प्लांट लिया है, ये गजीनिया है। लास्ट टाइम ऑलरेडी मैंने दिखाया था ना, हमारे पास एक क्या बोलते हैं, येलो एंड एक रेड कलर का। ये वाला इस बार हमको मिला, बहुत खूबसूरत दिख रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा फोकस नहीं हो रहा, आउट ऑफ फोकस हो रहा है। हाँ, अभी ठीक है। ये वाला जो है ना, ये येलो है एंड उसके बीच में थोड़ा सा सब ब्राउनिश ऐसा कलर भी है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये वाला एक लिया और ये वाला एक लिया। इसका नाम मुझे ठीक से नहीं पता, मैं हितेश को पूछ के बताती हूँ क्या नाम है। इसका भी अच्छा है, दो प्लांट है इसमें, एक डार्क पिंक कलर का है और उधर देख सकते हैं एक डार्क पिंक एंड थोड़ा वाइट के कॉम्बिनेशन में है। और गाइज, मैं एक और चीज़ दिखा दूँ, आप ये छोटे छोटे दो प्लांट देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली पेरीविंकल है। वहाँ पे मैंने उस दिन दिखाया था ना हमारे घर के, मतलब कंक्रीट में, पता नहीं कैसे ये पेरीविंकल का प्लांट उग गया। पहले हमारे पास था, वो ख़राब हो गया था, वहीं से शायद से सीड्स निकल के यहाँ पे उगा है। और यहाँ पे हितेश ने क्या किया था, यहाँ से सीड्स लेके रख दिया था, देन सीड्स से जब थोड़ा बहुत ऐसा निकला था देन उसको छोटे पॉट में डाला था एंड उससे ऑलमोस्ट 4-5 ऐसे प्लांट निकले। तो वहाँ से 2 लेके बड़े पॉट में लगाया सो दैट ये अच्छे से बढ़ पाए, थोड़ा ज़्यादा फ्लावरिंग हो एंड ज़्यादा जल्दी। प्लांट का अपडेट तो दे दिया, अभी कुछ और चीज़ का भी अपडेट नहीं बट किसी और चीज़ के बारे में बात करती हूँ, मैं आप लोग को कुछ दिखाती हूँ। फाइनली मैंने ममा अर्थ का एक अनियन हेयर ऑयल मंगवाया, ये कल ही मैंने अमेजन से ऑर्डर किया। मैंने इसके बारे में इतना सुना ना, मतलब मैं बहुत नया कुछ चीज़ ट्राई जनरली नहीं करती हूँ, ये मेरा एक आदत है, बट नया कुछ चीज़ जब ट्राई करती हूँ उसके पहले मैं बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़ती हूँ, वीडियोज़ देखती हूँ। इतने सारे मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े, इतने सारे मैंने इसके वीडियोज़ पे सबसे सुनती आई हूँ कि अनियन हेयर ऑयल ममा अर्थ के बहुत अच्छे हैं। तो मैंने सोचा चलो फाइनली मंगवाते। मैंने एक छोटा पैक मंगवाया है अमेजन से, अच्छा है, कल ही मंगवाया और आज ही आ गया, तो मैं इसके यूज़ करूँगी। एक महीना एटलीस्ट कोई भी नया प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ता है, स्किन केयर हो या हेयर केयर हो, तो उसके बाद ही पता चलता है कि वो कैसा है। तो एक महीना यूज़ करके डेफिनेटली मैं अपना रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं बहुत ही ज़्यादा होपफुल हूँ कि ये अच्छा होगा। तो यहाँ पे लंच भी सब रेडी है। एक्चुअली रात को मैंने बोला था ना, कुक जो खाना बना के जाती है वो ही मैं रख देती हूँ नेक्स्ट डे लंच के लिए। तो ये थोड़ा सा एग करी भी है, यहाँ पे दाल भी है
और थोड़ा सा भिंडी भी बना था, भिंडी है, बट मैंने बोलती हूँ ना कि हितेश जो है ना वो ये सब इतना नहीं खाना पसंद करते, तो उनके लिए वो खुद ही अपने लिए स्टफ रेड वेजिटेबल्स बनाते हैं, तो कल भी इतना सारा खाना बना था, बट वो थोड़ा सा क्या बोलते भिंडी तो खाया था, एक वो एक्चुअली हितेश को ना ऑमलेट पसंद है, एग वो बिल्कुल नहीं खा पाते, सिर्फ ऑमलेट खाते, बाकी बॉयल्ड एग दो या कुछ भी दो वो कभी नहीं खाएंगे, तो एग करी तो नहीं खाया था, दाल और थोड़ा सा भिंडी खाया था और थोड़ा सा स्टफ रेड वेजिटेबल्स था वो भी खाया था, तो वो भी मतलब उन्होंने ही बनाया था, तो ये भी है एक्चुअली यस्टरडे का थोड़ा सा है, तो वही हम लोगों का पूरा लंच आज रेडी है, कुछ भी बनाना ही नहीं पड़ा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा राइस भी आप देख सकते बना लिया है, तो अभी अंदर जाके बैठना है, अंदर जाके मतलब एसी में, यार मैं यहाँ पे खड़ी हूँ फैन ऑफ करके आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, पूरा पसीना पसीना हो रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा अंदर जाके एसी में बैठती हूँ, थोड़ा वीडियो वगैरह भी एडिटिंग का काम है, यस्टरडे का वीडियो मैं एडिट करूँगी, देन मैं वो टुमारो पोस्ट कर पाऊँगी, और हाँ आप देखिए मैंने यहाँ पे येलो कलर का एक ड्रेस पहना है, ये वाला ड्रेस गोवा से खरीदा था, गोवा से ही लिया था, गोवा में एक ही बार पहना था, आज मैंने पहन लिया, इतनी गर्मी है घर पर कोई भी कपड़े में पहननी पड़े, इतनी गर्मी लग रही है, तो मैंने सोचा ये एकदम स्लीवलेस है, बहुत ही कंफर्टेबल सा ड्रेस है, तो मैं यही पहनती हूँ, तो मैंने यही वाला पहन लिया, तो ये था अभी का अपडेट, अभी मैं सोचूँ कल के जैसा थोड़ा सा रोज सिरप बना कर ठंडे पानी के साथ पीती हूँ, अच्छा फील होगा, हाँ राइट वही करती हूँ, गर्मी में बिल्कुल रह नहीं पड़े, हेयर को थोड़ा टाइट करना ही पड़ेगा, कब से मैं सोच रही थी थोड़ा वीडियो शूट करते ना, तो थोड़ा हेयर को ऐसा ओपन कर लेते, थोड़ा अच्छा दिख, बहुत ज्यादा गर्मी है, और ये रहा मेरा रोज सिरप, Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. दरवाजा ही नहीं खोल पाऊंगी, दोनों हाथ में कुछ ना कुछ है मेरे. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know it. कुछ दिखाती हूँ, चलिए मैंने आप लोगों को बोला ना वहाँ से वो पेरीविंकल का सीड्स निकाल के हितेश ने एक छोटे पॉट में लगाया था, तो उसको लगाने के बाद सारे सीड्स से छोटे छोटे ऐसे प्लांट निकले हैं, उसमें से ही दो प्लांट मैंने दिखाया वहाँ पे अच्छे से बड़े पॉट में लगाया, और भी बहुत सारे हैं, उसमें एक में फ्लावर भी आ रहा है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए इसमें फ्लावर आ गया, सबसे बड़ा ये वाला प्लांट है, इसमें फ्लावर भी आ गया और सारे कितने सारे बर्ड भी है, और यहाँ पे छोटे छोटे और जो है इसमें भी सब बर्ड आ रहे हैं, तो ये कल खिल जाएगा, तो खिल गया तो इसको भगवान को चढ़ाएंगे। गाइस गुड इवनिंग, तो अभी 7:30 PM हो रहा है, कुक आ गए, वो बाहर खाना बना रही है, और पता है आज हम लोग पूरा दिन इधर ही यही रूम में रह रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है, पूरा टाइम एसी ऑन करके रह रहे हैं, और चलिए मैं दिखाती हूँ कि आज क्या क्या खाने में बन रहा है, यहाँ पे आज बन रहा है एग करी, और साथ में दाल भी बनाया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा आटा गूंदा है, हाँ पराठे बनाने के लिए, और हाँ यहाँ पे दाल भी बन गया है, ये दाल जो है ना हम मतलब हितेश का एकदम फेवरेट वाला दाल है, ये दाल भी बन गया, और थोड़ा सा यहाँ पे जुकीनी का फ्राई बना रही है, जुकीनी थोड़ा प्याज डाल के जैसा भिंडी फ्राई बनता ना वैसे ही बना रही है, तो बस ये रहा हम लोग का आज का डिनर का मेनू, और हाँ मैं राइस क्यों नहीं खा रही हूँ आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि सुबह का थोड़ा राइस था तो वही खा लूँगी और एक पराठे खा लूँगी, हो जाएगा। सो गाइस आज ना बहुत ज़्यादा हम लोगों को मन हो रहा था कि हम लोग कुछ पंजाबी खाएं, मतलब ऐसा पराठे जैसा कुछ खाएं, और एक बार मैं अपने वीडियो में पहले भी दिखाया था कि कपूर्स कैफ़े बोल के एक HSR में एक रेस्टोरेंट है, वो मतलब प्योर वेज है एंड वहाँ पे सिर्फ पंजाबी ही मिलता है, तो वहाँ पे वहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर किया एक ही आलू पराठा, तो वो अभी आ गए स्विगी से, वो लेने जा रहे हैं, उसको लाने का मतलब है खाने को भी सैनिटाइज करो, तो खाने को गर्म करके हम लोग खाएंगे, तो पता नहीं क्यों बहुत मुझे आज खाने का मन हो रहा था, ऐसा प्रॉपर टिपिकल आलू पराठा पंजाबी जैसा होता है ना, इसका बहुत यम होता है, तो वही हितेश नीचे आके लेके आएंगे, मैं प्लेट्स निकालती हूँ सो दैट आके थोड़ा गर्म कर लूँ, क्योंकि बहुत भूख लगी है मुझे सीरियसली। क्या बोल रहे हो, कप रख दो। मे भी मैं रात को पी लूंगी, कभी भी दिन में मैं एक बार तो पीती हूँ, एक्चुअली दो बार पीना चाहिए,
क्योंकि हेल्दी तो वही होता है, दो बार ग्रीन टी पियो, स्पेशली एक बार डिनर के बाद पीना ही चाहिए, बट मेरा इतना मेंटेन नहीं होता है। मैं ट्राई करती हूँ दिन में कभी भी एक बार एटलीस्ट फील हूँ। हितेश गया नीचे पराठा खाना लाने और पता है पहले डाइनिंग टेबल था वहां पे एक मुकफास का कंटेनर सेट था, दो मुकफास का सेट और उसके साथ दो सॉल्ट एंड पेपर शेकर था, और नीचे एक अच्छा सा वुडन ट्रे था, ठीक है, इतना क्यूट था ना, बट हमारा तो अभी डाइनिंग टेबल ही नहीं रहा तो वो मैंने अंदर रख दिया धो वो के साफ करके। बट यहाँ पे जो ये स्टैंड लिया है ना मैंने सारे किचन का जो डेली यूज होता है ऐसा सामान, तो इसके लिए मुझे सॉल्ट एंड हल्दी के लिए ना एक व्हाइट कलर के छोटा जार लेना था सिरेमिक का, बट वो मिल नहीं रहा था, मिल रहा था बट बड़े बड़े एकदम 500 ग्राम 1 kg का, तो इतना छोटा सा है उसमें थोड़ी ना वो आएगा। तो मैंने ना ये वाला होम सेटर का वही चीज यूज करी, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना ये वाला निकल गया है, तो इसको शायद से फेविक्विक से चिपक जाए पता नहीं, क्योंकि थोड़ा यूज करने में डिफिकल्ट हो रहा है। अदरवाइज तो ये बहुत अच्छा है कंटेनर, बट वो एक चीज के वजह से थोड़ा सा यूज करने में डिफिकल्ट हो रहा है, बट लेट्स सी मैं एक बार फेविक्विक से चिपका दूं। और हाँ हितेश आ गए खाना लेके, तो चलिए मैं गरम करके हम लोग खाते हैं, मैं दिखाती हूँ। तो ये रहा ऑसम वाला आलू पराठा, बट एक्चुअली मैं बोलूँगी कि वहाँ पे बैठ के अगर खाएंगे ना तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तो काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया, देन मैंने फिर से माइक्रोवेव किया। इसके साथ बटर दिया है, एक ग्रीन चटनी होता है एंड दही, और एक्स्ट्रा बटर थोड़ा मैंने और ऐड कर दिया। अभी डिनर हो गया और अभी मैं क्या कर रही हूँ पता है, कल के वीडियो अपलोडिंग की तैयारी। मैं वीडियो को जस्ट अभी रखा है अपलोड होने के लिए, और यहाँ पे मैं थंबनेल फिलहाल बना रही हूँ, तो देखना कल हम मतलब येस्टरडे हम लोग कहाँ गए थे वो सब कुछ मैंने शेयर किया है बहुत ज़्यादा। पूरा दिन का वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, बट ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। सो गाइज अभी आज भी मैंने पूरा दिन आप लोग के साथ शेयर किया, आई होप आप लोग आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, एंड अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो गाइज मैं आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Like a cargo, you will carry me.